ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से एक सवाल चुंबक की तरह हमारी डेली लाइफ से चिपका हुआ है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। अब देखिए ना, इस सवाल के डिलेमा से तो हम आज तक उभरे नहीं, और एक ये शख्स हैं कि हमें अंडे के अलग ही फंडे में उलझाए जा रहे हैं। OMG, तो ये था इस अंडे का फंडा। अरे वाह, हरा अंडा। दोस्तों, हम आ गए हैं मल्लपुरम, केरला के एक छोटे से गांव उथुकुंगल में, जहां के रहने वाले के शिहाबुद्दीन की मुर्गियां देती हैं ग्रीन योक वाले अंडे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस हरी मिस्ट्री की क्या हिस्ट्री है। लगभग एक साल पहले हमें ये हरे अंडे मिलने शुरू हुए। हमें लगा कि ये अंडे खराब हैं और हम में से किसी ने भी इन्हें नहीं खाया। शिहाबुद्दीन जी, बच्चे क्या, बड़े भी इसे खाने में हिचकिचाएंगे। जब हमें ऐसे अंडे लगातार मिलने शुरू हुए तो हमने अंडों को ऐसे ही छोड़ दिया। जब अंडों में से चूजे निकले तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। हमने ये सोचा कि ये अंडे बिल्कुल ठीक हैं, और पूरे परीक्षण के बाद ही हमने उन्हें टेस्ट किया। चलो जी, टेस्ट तो पास कर गए अंडे, पर इनका ये योग हरा कैसे हो रहा है भाई? इस सवाल ने तो साइंटिस्ट्स को भी अचंभे में डाल दिया है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक किसी भी अंडे के योग का रंग उसे देने वाली मुर्गी की खुराक पे डिपेंड करता है। ये उस खुराक में मिले कैरोटेनॉइड्स का कमाल है, जो कि अंडों को कलरलेस से पीला या फिर नारंगी, यहाँ तक कि लाल भी बना सकता है। तो शिहाबुद्दीन जी, आप ही बताओ कि अपनी मुर्गियों को किस चीज की दावत दे रहे हो? मैं इन मुर्गियों को कुछ खास नहीं खिलाता हूँ, बस पौधों के हरे पत्ते। मैं इन्हें केले के पत्ते, हल्दी और पालक खिलाता हूँ। मैं इन्हें चावल, गेहूं और नारियल का पल्प भी खिलाता हूँ, या फिर जो भी अवेलेबल होता है। मुझे नहीं पता कि ये हरा रंग किस वजह से है। मैं अभी तक इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल तो हरे अंडे देने वाली इन मुर्गियों का जलवा हर तरफ है, और इस कदर छाया हुआ है कि इन्होंने शाहबुद्दीन जी को अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे केरला में वायरल कर दिया है। शाहबुद्दीन जी की मुर्गियों की पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि लोग इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जब ये खबर वायरल हुई तो कई लोग मुझसे मुर्गियों का जोड़ा खरीदना चाहते थे, पर मैं नहीं माना, क्योंकि मुझे अपनी कोई भी मुर्गी नहीं बेचनी है। कुछ लोग तो 1,00,000 रुपए तक देने को तैयार थे। अरे, मुर्गी के लिए 1,00,000 रुपए? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी थी, बट ये नहीं पता था कि सोने का रंग हरा भी हो सकता है। इन एग्स का ग्रीन कलर बाकी मुर्गियों को ग्रीन विद एनवी बनाए या ना बनाए, मगर हाँ, ये शिहाबुद्दीन जी की मुर्गियों को डेफिनेटली बनाता है OMG।